अस्सलाम वालेकुम ऑल यूट्यूब फैमिली, उम्मीद आप सब ठीक ठाक होगे। तो बहुत काम है मुझे आज, बहुत काम है। एक तो आपको नज़र आ रहा है किचन बहुत गंदा हुआ, तो बस मैंने अभी कार्पेट यहाँ से उठा के बाहर डाला था, तो सफाई करनी है यहाँ पे, ये ठीक है। और साथ मैंने अभी ज़रा सोचा क्यों ना मैं पौधों को पानी दे दूँ, तो क्योंकि धूप भी बहुत फल्ला निकली हुई आज, पाइप में लगा चुकी। परिंदों का पानी भी मैंने चेंज करना था, मैंने कहा चेंज कर लूँ। और ये देखें आपको मेरे नज़र आ रहे होंगे पौधे, ये वाले ग्रीन। और ये सिर्फ इसकी खासियत ये है कि ये धूप में निकलते हैं, जब धूप ख़त्म हो जाती तो ये बंद हो जाते हैं। ये देखिए ये फिर ऐसे हो जाते हैं। और इसको देखो आपको ये नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे से, माशाल्लाह से ये भी लगना शुरू होना। और ये देखें आप लोग भी अपनी बेशक घर में या घर के ग्राउंड में, बाहर ग्राउंड में अपने ये लगाएं, और इतने प्यारे लगते हैं खिले हुए जब धूप निकलती है। और इसकी एक खासियत ये भी है कि ये ख़राब अगर आपके हो भी जाते हैं ना, आपने इनको फेंकना नहीं उतार के, ठीक है, आपने इनको फेंकना नहीं है बिल्कुल भी उतार के। और ये देखिए आपने इनको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है उतार के, तो जब इसका फिर से सीज़न होगा तो फिर से ये लगना शुरू हो जाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए लाल ये नज़र आ रहा है आपको, ये देखें, ये देखें। और पानी मेरा खोल के तुम पानी क्यों ना भर रहा जाए, और पानी भी माशाल्लाह से इसका तो ऐसा गर्म आ रहा है टैंकी का गर्म के बस पकता हुआ। जितनी ज़्यादा हम दुआएं करते हैं सर्दियों में कि पानी गर्म हो, उस कदर ही टैंकी जो होती है इस कदर ठंडी हुई होती है कि बस पानी इसमें मैं भर रही हूँ, ये ले में तो भरा हुआ है पानी। और यहाँ देख सकते हैं कि गंदा हुआ था, उसको मैं साफ़ भी कर लूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है परिंदे हम जब अपना अपने लिए साफ़ पानी पीते हैं तो उनको भी तो चाहिए ना, परिंदों का भी ख्याल करना चाहिए कि साफ़ पानी वगैरह को दिया जाए। ये देखिए मैं दिखाती चलूँ, एलोवेरा माशाल्लाह से कितना भरा हो चुका है, और उसके पत्ते आप इसकी या फिर नज़र आ रहे होंगे, देख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, आप ये इसको एलोवेरा की जो जेल होती है उसको उतार के बालों पर लगाया करें, और साथ में बीच में बिश्क नींबू डाल दिया, और बिश्क अगर आपने साथ में ऑयलिंग करनी है तो इसमें ऑयल डाल दें, तो उसको लगा के नहाने से पहले आप 10-15 मिनट पहले सर पे लगा लें, तो इससे बहुत अच्छी बाल शाइनिंग हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। और देखिए ये छोटे छोटे भी निकलना शुरू हो गए, इसकी भी एक खासियत बताऊँ क्या है कि अगर ये कोई बहुत ज़्यादा कुछ छोटे भी हो ना, आप इसको उतार के जड़ से ही इसको निकालना है, ठीक है, आपने इसको जड़ से ही निकालना है। ये देखिए इसको इसको आपने जड़ से उतार के आप इसको बाहर ग्राउंड में भी लगा सकते हैं, और ये इसका ये है खासियत होगी कि ये उग जाएंगे, ठीक है, आपके ये ख़राब नहीं होगा। इसके अंदर धूप भी है, रात में काम भी बहुत है, बस अभी मैंने किचन साफ करना है तो पानी अभी भर रहा है सारा, तो इसमें पानी है, इसमें तो मैंने भर दिया वाइट वाले में, आप ये मैंने अभी टब साफ किया है, अभी टब भरेगा। और अभी मैंने जामुन भी उतारने माशाल्लाह से, तो और जामुन मैंने कहीं लेके जाने, अपनी नानी के घर जा रही हूँ मैं आज, तो वहाँ पर मैं लेकर जाऊँगी, और नानी का घर भी है, और कह दें और साथ में मेरी मामू का घर भी है ये, तो वहाँ पर जाना है, तो जामुन लेके जाऊँगी। मैंने कहा क्यों ना मैं लेके जाऊँ, तो घर के होममेड जामुन अभी मैं उतारूँगी, आपको मैं बताऊँगी माशाल्लाह से, आपको लेकर नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए धूप भी बहुत है, अभी बस मैं सर पर या तो कुछ चीज़ रख के आती हूँ गीला कपड़ा, क्योंकि सर भी मेरा गर्म हो चुका है, इस कदर धूप है माँ। और ये देखिए आपको नज़र आ रहा है जामुन की, अभी मैं उतारूँगी इन जामुनों को माशाल्लाह से, ये देखें, और ये पक चुके हैं, ये देखें माशाल्लाह से, इसको धोएंगे और फिर बस। और माशाल्लाह से देखिए मैंने अभी ये जामुन उतार लिए हैं, आपको नज़र भी आ रहे होंगे, ये देखिए माशाल्लाह से घर के जामुन, और ये देखिए अभी और भी हैं, तो बस मेरा तो पूरा हाल हो गया गर्मी में ये उतारते हुए, तो सर पर भी दुपट्टा मैंने लिया था कि धूप ना पड़े, क्योंकि सर मेरा इस कदर गर्म हो चुका हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से, अब इसको मैं रखूँगी जरा, और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं, अभी ये भी मैंने इसको उतारे हैं, अभी थोड़े से और रहते हैं, ये भी सोची कि उतार दूँ माशाल्लाह से।
अपने घर से निकल गए थे तो बस गर्मी हुई थी, एक तो ओबरा ने खैर से एसी भी नहीं लगाया हुआ था तो मजबूरन शीशे हमें करने पड़े और हवा में नमी थी और इसका दराज गर्मी थी कि बस ऐसा लग रहा था कि सूरज ज़मीन पे आ गया है और बस और खाली दीवार को बस बंदा देखता जाए और कुछ भी नहीं आ गया नज़र आ गए और ऐसे ओवरऑल मैंने पेट्रोल डलवाना है ऐसा पति यहाँ पर रास्ते में पेट्रोल पंप पर मैंने कहा ठीक है तो पेट्रोल पंप पर आ गए हैं हम फोन पता नहीं लोगों के पता नहीं कैसे अपनी ब्लॉग वगैरह बना लेते फ़ोन ही हिलता रहते चाहे गाड़ी में बैठो चाहे बाइक पर बैठो तो बीच में जो अब खड्डा वगैरह आ जाता है तो वो बहुत काम खराब कर देता है तो फोन हिल चिल हो जाता है उसका भी वीडियो भी सारी ख़राब हो जाती है अच्छी है मामा बैठी और सिस्टर साथ में नहीं है वो अपने ऑफिस से बाद में आएगी जब हमारी पानी आ गई पेट्रोल की स्मेल देखो पेट्रोल की कितनी अच्छी लगती है भाई और आप लोग भी बताइए कमेंट्स में क्या क्या आप लोग मुझे किस पर पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है मेरी तरह हम आ चुके हैं पेट्रोल ट्रैफिक सिग्नल के खिलाफ भी जुर्म है मतलब हमारे पाकिस्तान में तो खिलाफ वर्जी ऐसी करनी है कि बस वो चलाना अपने अपने बारह मारे घर फोन देते हैं और लाइए आप ये देखिए आप पेट्रोल पम्प वाला कैसे देख रहे हैं और मुझसे ब्लॉग नहीं बनाया जा रहा यार आई डोंट नो लोग कैसे बना लेते ब्लॉग और अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं देखूँ कहाँ पर कैमरे की तो देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे कि मैं बैंगी हो गई हूँ देखा नहीं जा रहा कैमरे और ये देखते हैं और आप लोगों को पता ही होगा जो जो लाहौर के रहने वाले तो किसी को चाहिए वाइफ का ध्यान रात तो बताओ पता नहीं एक तो पहाड़ियाँ शुरू हो गया कि हर बस थोड़ी थोड़ी देर बाद घाटियाँ यही मसला होता है गलियों में कि हद थोड़ी थोड़ी बस आगे ऊंचाई आ जाती स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं कि बस और अब इतने भरे भरे लिखे बनाए होते हैं कि आप लोगों की सोच हो गई यार देखें ये तो कमर दर्द शुरू हो गया ओके हम लोग आ चुके हैं बस हमारा हो चुका है और साथ में देखिए आप तो लोग भी ऐसे देख रहे हैं जिसके कभी देखा ना और पहले भी बहुत सारे देख रहे हैं और ये देखिए हमारा मैं आ चुकी हूँ फाइनली तो आपको ये नहीं दिखाऊंगी कि कहाँ पर है हमारा मोहल्ला नानी के घर और मामू का घर के दो हाँ जी बच्चे खेल रहे हैं मैं बना चुकी हूँ और मामा आ चुकी है ये देखिए यस बेल पे हाथ रखती है और घर नहीं दिखाऊंगी कि कौन सा है ए फ्यू मोमेंट्स लेटर और ये वाटर फंक्शन पीला ये देखिए आ चुकी हूँ मैं नानू के घर मामू के घर और ये देखिए आपको दिखा ये देखिए आपको नज़र आ रही होंगी माशाल्लाह से फिशिश होती है ये फिशिश खाना नहीं दिया तुम लोगों को किसी ने
किसी ने खाना नहीं दिया। इनको खाना भी डालते हैं। स्कीडिंग मजाक कर रही हूँ आप लोगों के साथ। फिश देखिए आप लोग यार, कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। खाना पता नहीं कहाँ पर था। खाना देते हैं इनको ऐसे। इनकी आइस देखिए कैसे चमक रही हैं, आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। आइस देखो इनकी यार, देखो माशाल्लाह से कितनी प्यारी चमक रही है। साथ में जो नीचे जो वेट्स आपको जो नज़र आ रही है जो वो भी देखो शाइन कर रही हैं, ग्लो कर रही हैं। ये भी ये देखिए आप, मैं दिखाती चलूँ। ये देखिए और ये कितनी ड्राइंग टाइप की लग रही है इनकी। एक आँखों में देखो इनकी शाइनिंग सी है। ये देखिए अभी इनको मैं फिश को खाना डालने लगी हूँ। इनका ये खाना है फिश का। अभी देखना ये जैसे ही खोलूँगी तो आएंगे कैसे। ये देखिए और ये देखिए शुरू हो जाएंगे खाना, आ जाएंगे अभी साथ ही खाने के लिए। देखो जी क्या आ गया घर से। ये आ गई चाय और ये है समोसे। समोसे आ गए और ये चाय आ गई। देखो बस इसमें एवरीडे डालेंगे हम। बहुत मज़े किए। ये देखो समोसे किस किस को पसंद है। एक चम्मच डालो। ये देना ठंडा सा। और ये चेक करो यार, लाइट गई हुई। अभी तक लाइट भी नहीं आई। और ये देखो आप, नानी के घर का मोहल्ला है हमारे। और इधर मम्मा कैसे नमाज पढ़ रही हैं, तो बस इनकी तस्बीह ख़त्म होने वाली है जी। तो बस फिर ऊपर जाऊंगी तो आप लोगों को विज़िट कराऊंगी ऊपर वाला भी सारा। ये देखिए ये भाभी बना रही है पुलाव। आपको आता है बनाने में से हैं जी? चलो और ये चावल भुगोए हुए हैं, अब ये रेडी होगा, फिर पता चलेगा भाभी की हाथों का ये कैसा बना। क्योंकि मैं तो पहली दफ़ा खाने लगी इनके हाथों का खाना। और ये हम जा रहे हैं ऊपर, ऊपर जाएंगे ऊपर ऊपर ऊपर। और हम आ चुके हैं ऊपर। एक ये रूम है अभी लाइट्स बंद है और एक ये रूम है। तो फाइनली ये मैंगो स्क्वैश बनाया जा रहा है जिसको हम यूजी वर्ड्स में शजान कहते हैं। देखिए यहाँ पे भी शुरू हो चुका है और ये बहन कैसे बना रही है। और ये सारा हो चुका है। देखो आप, मैंने आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि हर जगह ना मैंगो हमारे चर्ची हो गए साथ हमारे मैंगो स्क्वैश ना हर तरफ मैंगो स्क्वैश की चर्ची हो चुकी। शजान असली शजान घर पर बनाए। देखिए इतनी डिमांड आ रही है। देखिए देखिए अब हम नानों के घर आए हैं। देख रही है इसके बाल हैं वो साफ हो जाते हैं, मतलब के बीच में ना आ जाते हैं, वो मुंह में नहीं आते। एग्जैक्टली ये देखिए स्क्वैश तैयार। ये स्क्वैश तैयार रेडी हो रहा है जो हम लोगों ने पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की थी और लगाई थी शेजान की मैंगो की शरबत। आप कैसे घर में बना सकते हो। नानी के घर आई हैं, मामों के घर आई हैं, तो बस क्योंकि आम इनके आए थे तो वो बहुत ज़्यादा खट्टे थे और थे भी कच्चे। ये देखिए अभी इसमें 2 किलो चीनी डाली फ़िलहाल, अगर हमें और ज़रूरत होगी क्योंकि अभी इसमें और डलेगी और मेरे ख्याल से कि इसमें अभी और डलेगी। जब चीनी मेल्ट होगी इसको बाल आएगा, फिर इसमें हमने एक तो मैं पाइनएप्पल जो टैंक होता है पाइनएप्पल टैंक डालेंगे और साथ में टाठी डालनी है इसमें। चटनी बना रही भाभी ये देखो। और ये साथ में दही भले बनेंगे पुलाव के साथ। इसमें दही, अब इसमें दही डालना है, इसमें दही भले बनेंगे किसके। और ये इसकी चटनी जी, अब इसमें हमने चीनी डाल दी थी, इसमें 5 किलो चीनी डाली कम अज़ कम इसमें। और आप इसमें डाल रहे हैं टैंक। तो ये
ਹੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਟਿੰਗ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਚੱਪ ਚ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹ ਦੱਸਣ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਤ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਪੀਸ ਇਹਨੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਨਾ अचार बहुत मज़े का था। ये कैरी का अचार था जिसमें सौंफ, जीरा, अजवाइन, क्रंची वगैरह और राई वगैरह इसमें डाली गई थी और सौंफ भी था इसमें और बहुत अच्छा था, मज़े का था। और बस हम लोग घर के लिए निकल पड़े थे क्योंकि कज़न ने जाना था तो कहते मैं आप लोगों को छोड़ देते हैं, तो साथ में भाभियाँ भी थी मेरी साथ, तो बस और हम लोग घर के लिए निकल पड़े थे। यहाँ पर रश था, एक तो जगह जगह कुर्बानी के जानवर वगैरह भी माशाल्लाह से दिखाई दे रहे थे और बस जहाँ थोड़ा सा बाहर हम लोग निकले तो उधर सुकून सा था, खुशी सी थी, कोई रश वगैरह नहीं था। और आप सबका बहुत बहुत थैंक यू यार, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो और इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहो, मेरी वीडियोस को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, कमेंट्स भी करते रहो अच्छी। अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।